अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सब्जेक्टिव पार्ट यूनिट नंबर 16. गिव शॉर्ट आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड आर्यंस अराइव इन पाकिस्तान? आर्यन जो थे वो कब पाकिस्तान में दाखिल हुए? द आर्यंस केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट थ्रू द खैबर पास इन 1500 BCE. वो 1500 BCE में खैबर पास के थ्रू से आए थे. मॉडर्न पाकिस्तान हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ फेसिस, लैंग्वेज एंड कस्टम्स, वाई इज दिस सो? मतलब जो आज के मतलब मॉडर्न जदीद पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के नसल के लोग और ज़बानें उनकी मुख्तलिफ हैं, रस्म रवाज उनकी मुख्तलिफ है, तो कैसे मतलब क्यों है ऐसा? आंसर, मैनी ऑफ द इन्वेडर्स मीन हमला, वर कंकरर्स, फातहीन और रेडर्स धावा करने वाले. हु केम इन टू दिस रिलीजन, सेटल डाउन हेयर एंड दे इन्फ्लुएंस द लोकल कल्चर, कस्टम एंड लैंग्वेजेस. क्या हो कि वो यानी कि दूसरे ममालिक से आए और वो यहाँ पर सेटल होना शुरू हो गए, फिर इस वजह से मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस और रस्म रवाज वगैरह डिफरेंट हैं. ठीक है, अब डिटेल वंस, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द मोहिंदोदारो को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? फर्स्ट वाली लाइन आप कट कर दे रही है, फ्रॉम द राइज इट इज़ एज्यूम दैट तक कट कर दो. मोहिंदोदारो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका आंसर. मोहिंदोदारो वाज अ रिमार्केबल एंड सोफिस्टिकेटेड सिटी, इट वाज वेल प्लान्ड एंड लेड आउट सिमेट्रिकली, हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड ब्रिक्स, they had toilets and a good drainage system. The city also had a great bath and the remains of great hall with pillars suggested that it was it may have been a parliament or a government building. kya tha ki Mohenjo-daro jo tha wo ek remarkable aur sophisticated city hai, jab matlab planning ke sath matlab us city ko banaya gaya, wahan par mud and bricks se bane hote the ghar, wahan par toilets bhi the aur yani ke pani ka nikasi aapka system bhi tha sara. theek hai, wahan par na kafi pillars wale matlab tha makamat bhi mile hai, to manna ye hai ki वहाँ हो सकता है कि पार्लियामेंट था या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग थी. क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द सिमिलैरिटीज बिटवीन द मॉडर्न कार्ट एंड 4000 ईयर्स ओल्ड वन. मतलब जदीद ठेला और जो वो पुराने ज़माने का ठेला जो था, क्या डिफरेंस है? कंपेरिजन ऑफ एंशियंट एंड प्रेजेंट टेबल ऑफ कार्ट्स, व्हील वर्चुअली आइडेंटिकल, व्हील्स जो है उनके पहिए जो सेम है, कर्व वुडन चेंजेस, टू ऑक्सन पोल, मतलब उनकी जो पीछे जो ठेला मतलब रेडी होती है वो लगी हुई थी, ऑक्सन आगे दो ये इनके बैल होते थे. पोल्स टिकिंग अप फ्रॉम चेजिस टू स्पोर्ट लैंड, और फिर आगे यहाँ पोल्स होते थे जिसके आगे मतलब बैल होते थे. दीज आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न कार्ट बट ओनली द होल रिमेन एट द बैक ऑफ द एंशियंट वन, ड्राइवर इन सेम पोजिशन. मतलब इतना कुछ खास फर्क नहीं था, सिर्फ होल्स का डिफरेंट था और ड्राइवर सेम पोजिशन में बैठते. वाई दीज रोड्स हैड शार्प कॉर्नर इन देम, क्यों रोड्स के शार्प कॉर्नर थे? द ज़िगज़ैग स्ट्रीट्स आर थॉट टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ विंड्स विच फनर अलॉन्ग टर्म, मतलब विंड्स के इफेक्ट को कम करने के लिए बनाया गया था. ओके, अब आपने इसकी शॉर्ट क्वेश्चन और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने याद करने हैं, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को लिखने हैं. कल हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. टेक केयर एवरीवन.